रोहन भाई, क्या हाल चाल है? बढ़िया भाई। यार, मैंने तुझे फ़ोन किया है कि यार तेरे चश्मे का भी नंबर -25 है ना? हाँ, मेरे भी चश्मे का नंबर -25 है। हाँ यार, मैं भी कल डॉक्टर के पास गया था और मेरा भी चश्मे का नंबर -25 निकला है। लेकिन डॉक्टर ने मुझे बोला है यार कि तुझे चश्मा केवल यूज़ करना है पढ़ते समय यूज़ करना है। मैं तो सारा दिन यूज़ करता हूँ, मेरे तो डॉक्टर ने बोला मुझे सारा दिन यूज़ करने के लिए। यार ये तो कन्फ्यूज़न की बात है यार, हम दोनों का नंबर सेम है और तू चश्मा सारा दिन यूज़ करता है और मुझे बोला डॉक्टर ने केवल नज़दीक के लिए यूज़ करने को। हाँ ये बात, इनके भी चश्मे का नंबर -25 होता है, उनके मन में हमेशा एक कन्फ्यूज़न ये बनी रहती है कि उनको चश्मा सारा दिन यूज़ करना है या किसी खास टाइम पे पढ़ते समय या किसी क्लोज वर्क करते समय यूज़ करना होता है। इसी कन्फ्यूज़न को मैं दूर करने वाला हूँ आज के वीडियो में, तो मेरे साथ पूरे वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। और शुरुआत करेंगे अपने वीडियो की। नमस्कार, मैं शुभम पांडे और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल शुभम आई केयर। बड़े ही सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको समझाऊंगा कि आपको जो -25 का नंबर है वो सारा दिन यूज़ करना है या किसी खास काम के लिए। देखिए, आपका जो आई डॉक्टर होता है वो आपको दो कंडीशंस में -25 डॉक्टर का नंबर एडवाइस करता है। जो पहली कंडीशन होती है कि जिन लोगों की विज़न 6x6 के कम होती है, यानी जिनकी पार्शियल विज़न होती है, यानी कि जो 6x6 के जो लेटर्स होते हैं उनमें एक आध दो लेटर्स वो पढ़ नहीं पाते हैं, तो उन लेटर्स के फुलफिलमेंट के लिए, आपकी विज़न को बढ़ाने के लिए जो आपका आई डॉक्टर होता है वो आपको -25 का नंबर एड ऑन करता है, जिससे आपकी विजिबिलिटी बढ़ जाती है और आपकी विज़न 6x6 हो जाती है। जो दूसरी कंडीशन होती है कि जिन लोगों को सिम्टोमेटिक प्रॉब्लम होती है, यानी कि जिनको पढ़ते समय कोई क्लोज वर्क करते समय हेडेक की प्रॉब्लम होती है, आईएक की प्रॉब्लम होती है या स्ट्रेन की प्रॉब्लम होती है, ऐसे लोगों की प्रॉब्लम को कम करने के लिए, उनकी प्रॉब्लम को रिलीज़ करने के लिए आपका जो आई डॉक्टर होता है वो आपको -25 का नंबर एड ऑन करता है, जिससे कि आपको उस सिम्टम को कम किया जा सके। अब सवाल ये उठता है कि अगर आपका जो -25 का नंबर है वो सारा दिन यूज़ करना है या किसी खास टाइम पे यूज़ कर, तो इसको आप ऐसे समझिए कि जिन लोगों की विज़न पार्शियल विज़न है, 6x6 विज़न नहीं है, और उन लोगों को -25 का नंबर दिया गया है, ऐसे लोगों को घर से बाहर ड्राइविंग करते समय, टीवी देखते समय, ब्लैक बोर्ड देखते समय या कोई दूर की चीज़ देखते हैं, उन लोगों को बस उस टाइम पे ही अपने चश्मे का यूज़ करना होता है, बाकी समय वो चश्मे को निकाल के रख सकते हैं। जो दूसरी कंडीशन है, जिनको किसी सिम्टोमेटिक प्रॉब्लम के लिए दिया गया, यानी कि जिनको हेडेक की प्रॉब्लम है, पढ़ाई करते समय उनको आईएक की प्रॉब्लम होती है, स्ट्रेन की प्रॉब्लम होती है, ऐसे लोगों को बस उसी समय यूज़ करना होता है जब उनकी प्रॉब्लम बढ़ती है या जब उनको वो सिम्टम आता है। यानी कि अगर आपको पढ़ते समय प्रॉब्लम होती है तो आपको चश्मा बस उस टाइम पर यूज़ करना है। आप कोई लैपटॉप पर काम करते हैं और आपकी प्रॉब्लम, आपको स्ट्रेन की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है, तो आपको बस उसी टाइम पर अपने चश्मे का यूज़ करना होता है, बाकी समय आप चश्मे को निकाल के रख सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको ये कन्फ्यूज़न दूर हो गई होगी कि आपको -25 का नंबर सारा दिन यूज़ करना है या कभी कभी यूज़ करना होता है। इसके बाद भी अगर आपके मन में कोई सवाल है तो मुझसे आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।